युग नायक स्वामी विवेकानंद जी के धरती पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के छोटे से गांव जिबधारपुर में 10 जनवरी 1949 को डॉक्टर प्रवीर सरकार का जन्म हुआ। बचपन से ही ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने का ध्येय बना लिया। वर्ष 1994 डॉक्टर सरकार अपने मित्रों के साथ अमरकंटक घूमने आए और यहाँ की गरीबी और शिक्षा से वंचित आदिवासी समुदाय की आवश्यकता को देख यहीं के होकर रह गए। 1995 में अपने घर परिवार तथा आरामदायक जीवन को छोड़कर अमरकंटक आ गए। यहाँ अनूपपुर के एक पिछड़े गांव लालपुर में सेवा कार्य की नींव और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुट गए। स्वामी जी के आदर्श विचारों को जीवन का लक्ष्य बनाकर मां शारदा कन्या विद्यापीठ की स्थापना की और 15 आदिवासी बालिकाओं के साथ विद्यालय की शुरुआत की। इसका असर दिखा। अब यहां के आदिवासी समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदना जागृत हुई है और क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। पुष्पराजगढ़ विकास खंड के 65 बैगा एवं अन्य सुदूर जनजातीय गाँव में निशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। विगत 25 वर्षों में आपने 260 लड़कियों को संस्कारवान शिक्षित बनाया। आज विद्यापीठ से शिक्षित बच्चे शिक्षक, नर्स, शोधार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं। कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान पुष्पराजगढ़ के 39 सुदूर गांव में राशन उपलब्ध कराकर उन्हें भूखे सोने से बचाया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी सतत सेवा उपलब्ध कराकर सेवा के प्रतिमूर्ति के रूप में आप स्थापित हुए। आपके सेवा कार्य के लिए मैकलांचल क्षेत्र की जनता आपका सदैव ऋणी रहेगी।